ताजा समाचार तमारी भाषा में मेळववा माटे डाउनलोड करो गुजराती मिडडे नी एप। और जहां तक कांग्रेस की बात है, वो तो लड्डू खरीद रहे थे, कल पोस्टर बधाई के लग गए थे। हम लोग बड़े चुपचाप से अपना काम कर रहे थे, और जो लोग कद की बात कर रहे थे, ग्वालियर चंबल संभाग की जनता ने और मध्य प्रदेश की जनता ने उनको अपना कद दिखा दिया है। लाडली बहना मैं कहूँगा कि पूर्ण रूप से गेम चेंजर है, और इसका पूर्ण श्रेय अगर एक व्यक्ति को जाता है तो वो केवल शिवराज सिंह चौहान जी को जाता है। इसमें मध्य प्रदेश के एक एक जन जनता जनार्दन सभी को मैं नमन करता हूँ, मैं प्रणाम करता हूँ, धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूँ कि पूर्ण विश्वास उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर जताया। भाजपा की डबल इंजन की सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व, गृह मंत्री अमित शाह जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी का मार्गदर्शन, और मध्य प्रदेश में भाजपा का एक एक कार्यकर्ता, शिवराज सिंह जी का नेतृत्व, जनहितेशी जो नीतियाँ उन्होंने क्रियान्वयन की हैं, उसी का फल है कि आज मध्य प्रदेश का एक एक जन जनार्दन असीम बहुमत के साथ, मैंने भी जो सोचा था उससे कई गुना ज़्यादा, आज भाजपा के पक्ष में आया है। मैं मध्य प्रदेश की जनता को अपने दिल के गहराइयों से धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूँ। दावों और एग्जिट पोल के आंकड़ों पे कांग्रेस सवाल उठा रही थी, आपके लिए भी कल दिग्विजय सिंह ने कुछ टिप्पणी की थी, कैसे? दिग्विजय सिंह जी की हर बददुआ को का स्वागत मैं करता हूँ, और अपने दिल से राजा साहब को मैं दिल के गहराइयों से उनको शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। मैं अपने दिल में कभी भी गलत भाव किसी के प्रति नहीं रखता। और जहाँ तक कांग्रेस की बात है, वो तो लड्डू खरीद रहे थे, कल पोस्टर बधाई के लग गए थे। हम लोग बड़े चुपचाप से अपना काम कर रहे थे, क्योंकि हमें पूरा विश्वास था कि जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के साथ रहा है, और जनता ने अपना निर्णय साफ कर दिया है। और जो लोग कद की बात कर रहे थे, ग्वालियर चंबल संभाग की जनता ने और मध्य प्रदेश की जनता ने उनको अपना कद दिखा दिया है। बाकी तीन राज्यों के परिणाम को कैसे देखते हो? उसमें भी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, तीनों राज्यों में प्रचंड बहुमत से भाजपा की सरकार आई है। प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व देश की 140 करोड़ जनता के लिए गौरव का विषय है, और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत विश्व पटल पर नई ऊंचाइयां छू रहा है। क्या विनिंग एमएलएस के लिए कोई डायरेक्शन है पार्टी की तरफ से, उन्हें बुलाया गया है क्या विधायक दल? ये मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी और प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा जी तय करेंगे। मैं भाजपा का सामान्य कार्यकर्ता हूँ, जो भी वो दोनों तय करेंगे उसी के तहत हम लोग कार्य करेंगे। राज्य में आपकी भूमिका, आपके राज्य में क्या होगी? मेरी भूमिका सदैव राज्य में एक जनसेवक की रही है। 2002 से जब से जनसेवा का पथ मैंने अपनाया है, जरूर आशा अभिलाषा मेरी है, वो आशा अभिलाषा है विकास की और प्रगति की, और उसके लिए पूर्ण रूप से प्रयासरत मैं पिछले 20 साल से रहा हूँ, और जिंदगी के आखिरी सांस तक जरूर रहूँगा। कौन सी चीज ऐसी है जिसकी सबसे ज़्यादा आपको फायदा हुआ और कांग्रेस को उसका नुकसान हुआ? किसी पार्टी का नाफा नुकसान की बात नहीं है, ये साफ साफ बात है प्रजातंत्र में कि जो व्यक्ति जमीन से जुड़ा हुआ है, जो पार्टी जमीन से जुड़ी हुई है, जो पार्टी जमीन के लिए कार्य करती है, वही पार्टी को जनता का आशीर्वाद प्रदान होता है। और शिवराज सिंह जी की जो नीतियां मध्य प्रदेश में रही हैं, जनता के कल्याण की नीतियां रही हैं, उसका पूर्ण लाभ भी भारतीय जनता पार्टी को मिला है। केंद्र में हमारी डबल इंजन की सरकार, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अमित शाह जी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में जो हम लोग ने कदम उठाए हैं, उसी का प्रतिफल है ये त्रिमूर्ति जो हमारे पास केंद्र में है, प्रधानमंत्री जी का, गृह मंत्री जी का और नड्डा साहब का। केंद्र का त्रिमूर्ति, मध्य प्रदेश में एक एक भाजपा का कार्यकर्ता, शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में, बीडी शर्मा जी के नेतृत्व में, उसी का फल है कि आज पूर्ण परिणाम हमारे पक्ष में आया है। बहुत बड़ा असर लाडली बहना मैं कहूँगा कि पूर्ण रूप से गेम चेंजर है, और इसका पूर्ण श्रेय अगर एक व्यक्ति को जाता है तो वो केवल शिवराज सिंह चौहान जी को जाता है। सब्सक्राइब करो गुजराती मिडडे, बेल आइकॉन पर क्लिक करीने मेळवो तमाम वीडियो ना डायरेक्ट नोटिफिकेशन।